मेरे प्यारे बहन भाई मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं एस्कोरिल प्लस सिरप के बारे में। सिरप के क्या फायदे, क्या नुकसान, इस बीमारी पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बलगम वाली खांसी होती हो उसमें भी आप इस सिरप को ले सकते हो, या फिर फेफड़ों में बलगम बाहर निकालने में आपको कठिनाई हो रही हो तो अगर आप इस सिरप को लोगे तो आपका फेफड़ों का बलगम साफ हो जाएगा, इसमें भी आप इसको ले सकते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अस्थमा और COPD में भी डॉक्टर इसको लेने की सलाह दे सकते है। दोस्तों, यह सिरप वायुमार्ता की मांसपेशियों को रिलैक्स करके और फेफड़ों के सांस लेने के रास्ते को चौड़ा करता है। इसकी वजह से अस्थमा और COPD से पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में आसानी हो जाती है और पीड़ित व्यक्ति पहले से अपने आप को बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, सांस की नली से बलगम को पतला मौजूद करता है और उसे बाहर निकालने में सहायता करता है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होना, उसमें भी आप इसको ले सकते हो, या फिर कॉमन कोल्ड होना, उसमें भी आप इसको ले सकते हो, या फिर आंखों से पानी आना, उसमें भी आप इसको ले सकते हो। और इसी के साथ साथ सीने में बलगम जमा रहना, उसको बाहर निकालने में भी एक काफी फायदेमंद दिखा है, उस दिक्कत में भी आप इसको ले सकते हो। या फिर दोस्तों, निमोनिया होना, या फिर आपका फटाफटा बलगम आना और बलगम के साथ हल्का मुल्का ब्लड आ जाना, उस दिक्कत में भी आप इस सिरप को ले सकते हो। तो दोस्तों, अब हम इस सिरप के यूज के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि इस सिरप को किसको और क्यों नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कहां लेना चाहिए। इस सिरप को खाना खाने से पहले भी आप इसको ले सकते हो, या फिर खाने खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हो। आमतौर पर दोस्तों, ये 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर 2 बार लेने की सलाह देते हैं, और 12 साल से लेकर 17 साल के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलीलीटर इस सिरप को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं, और 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को डॉक्टर 10 मिलीलीटर इस सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, इस सिरप की डोज उम्र, शरीर के वजन और मरीज की कंडीशन और मरीज की स्थिति के अकॉर्डिंग और व्यक्तियों की बीमारी गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इसकी डोज अलग हो सकती है, इसलिए इस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। तो दोस्तों, अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी सामान्य तौर पर कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे मुंह से सूखापन आना, भूख न लगना, सर दर्द होना, थकान महसूस होना, या नींद आना, कब्ज होना, उल्टी आना, कुछ ऐसे छोटे मोटे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे हर व्यक्तियों में देखने को नहीं मिलते, कुछ व्यक्तियों में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी कुछ व्यक्तियों में से एक है तो इस सिरप को लेना बंद कर दे और घबराए नहीं, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों, अब आप समझ गए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।